धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कई साथियों ने अपनी बात रखी है। ये जो काम सरकार कराने की कोशिश कर रही है, सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, राशन से संबंधित, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित और भी तमाम डिपार्टमेंट से संबंधित जितनी भी स्कीम्स हैं, उनमें माननीय सदस्यों की भावना थी कि उस पर चर्चा होकर ये बात आए कि कैसे वो स्लो हो रहे हैं, यही इसका टॉपिक था। और इसमें कई माननीय सदस्यों ने भी बात रखी, कई मंत्री साथियों ने भी बात रखी है कि किस तरह से सर्विसेज ना होने की वजह से या सर्विसेज पे जबरदस्ती अब कंट्रोल करने की सरकार की, केंद्र सरकार की कोशिशों की वजह से इन कामों में कुछ देरी हो रही है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ चीजें आगे बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी जो ये सर्विसेज है, मैं चाहूंगा कि इसको हम थोड़ा सा समझें कि सर्विस सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग का काम नहीं है, सर्विस ओवरऑल सरकारी कर्मचारियों के लिए पद, किसी विभाग में कोई काम करो तो उसमें पद क्रिएट करने का काम भी सर्विसेज में आता है। आप कोई सरकारी कर्मचारी ठीक से काम नहीं करे, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा हो, उसमें बेईमानी हो रही हो, वो आदेश न मान रहा हो, उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का काम भी सर्विसेज में आता है। उस नई पोस्ट क्रिएट करनी हो वो भी, विजिलेंस का काम भी, एसीबी का काम भी, ये सब सर्विसेज में आता है, करप्शन रोकने का काम। तो इसको जो सर्विसेज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जबरदस्ती डाका डाल के कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है बल्कि इसलिए कि मतलब एक तो यह है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम ना करने दिया जाए, दूसरा जो पिछले दरवाजे से करप्शन का वो चला रखा था वो भी चलता रहे। कहीं विजिलेंस दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हाथ में आ गया, कहीं डिसिप्लिनरी चुनी हुई सरकार के हाथ में आ गया, कहीं एसीबी चुनी हुई सरकार के हाथ में आ गया, तो कहीं ऐसा ना हो करप्शन की सारी चीजें या तो रुक जाएंगी या पोल खुलने लगेगी कौन करवा रहा है। इसलिए ये सर्विसेज पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश है, मैं और ये पूरा साजिशन है, जानबूझ के है ताकि काम ना हो सके और दूसरा करप्शन को बचाया जा सके। मैं समझता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे पिछले कुछ दिनों में सैबोटेज करने की कोशिश की गई है, कई मंत्री साथियों ने अपने बात रखी है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर आज आप जैसे मोहल्ला क्लिनिक बनाना है, अब सत्येंद्र जैन जी, हमारे सारे विधायकों की मांग है कि भाई हमारे यहाँ हर वार्ड में एक एक मोहल्ला क्लिनिक बने, मोहल्ला क्लिनिक का पोटा के बिन या कोई किराए पे लेके बिल्डिंग या कोई बिल्डिंग बना के खड़ी भी कर दें तो उस मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स की पोस्ट चाहिए, क्लिनिकल असिस्टेंट की पोस्ट चाहिए। अब ये कह रहे हैं जी सर्विस आपके पास नहीं है, आपको बिल्डिंग, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये कह रहे हैं साहब आप बिल्डिंग बना लो, ठीक है, बिल्डिंग की बनाने की फाइल आपको एलजी तक नहीं भेजनी, लेकिन उसमें एक डॉक्टर बैठेगा कि दो बैठेंगे और 600 क्लिनिक के लिए 600 डॉक्टर की पोस्ट क्रिएट करने का काम हमारे पास है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि करके देख लो, मोहल्ला क्लिनिक खोल के देख लो। साजिश ये है इस बात की, साजिश इस बात की है कि हम कह रहे हैं हम नए स्कूल खोलेंगे, हमने नए कमरे बनवा दिए, 8000 नए कमरे बनवा दिए, 10000 और नए 12000 कमरों के लिए परमिशन हो गई कैबिनेट की, अब कह रहे हैं तुम कमरे तो बनवा लोगे, उन कमरों में बनाने के लिए टीचर्स लगाने के लिए तुमको पोस्टिंग करनी पड़ेगी, उनके लिए तो पोस्ट बनानी पड़ेगी, उनके लिए तो आपको नए टीचर्स लाने पड़ेंगे, वो हम आपको नहीं लाने देंगे, हम आपका काम सैबोटेज कर देंगे। ये कह रहे हैं कि तो ये सर्विसेज का आफ्टर इफेक्ट जो है सिर्फ इतना नहीं है कि मैं ट्रांसफर पोस्टिंग कर दूं एक सेक्रेटरी को दूसरी जगह, एक आईएएस की जगह दूसरा आईएएस लगा दें, एक दानिश की जगह दूसरा दानिश, एक बाबू की जगह दूसरा बाबू लगा दें। सर्विसेज का मतलब यह भी है कि अगर मोहल्ला क्लिनिक खोली है तो 10 बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी, अब 10 डॉक्टर भी तो चाहिए, 1000 कमरे 8000 कमरे बना के खड़े कर दिए, 8000 टीचर्स भी तो चाहिए वहां पढ़ाने के लिए, ये भी सर्विसेज में, वो सर्विसेज की पोस्ट, उसमें पोस्ट नहीं क्रिएट करने देंगे। आज मैंने स्किल सेंटर खोलने की बात कही, कई बार यहां पे बात हुई है, स्किल सेंटर नहीं खोलने देंगे। मान लीजिए स्किल सेंटर में मैं बहुत जल्दी में अच्छी जगह कहीं किसी जगह खाली मिल जाए, खाली जगह बना के अच्छी लैब बना के अच्छे क्लासरूम बना के खड़े कर दूं, अब वहां पढ़ाने के लिए टीचर्स का काम आएंगे, वो टीचर्स के लिए तो पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, वो सर्विसेज में, वो टीचर्स के अपॉइंटमेंट करने पड़ेंगे, वो सर्विसेज में। नई एकेडमीज अभी आज बात हो रही थी, हरियाणा में एकेडमी बनाओ, मैंने बताया 15 नई एकेडमी बनाई जा रही है, अब कैबिनेट के पास ये पावर है, अब एलजी के पास फाइल नहीं जाएगी, एकेडमी हम बना देंगे, लेकिन एकेडमी से सेक्रेटरी चाहिए, एकेडमीज में काम करने के लिए डिप्टी सेक्रेटरी चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, उस भाषा के जानकार चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए, राइटर चाहिए, जो भी उसमें चाहिए पदाधिकारी, वो कहेंगे जी वो नहीं हम क्रिएट करने देंगे आपको, वो तो सर्विसेज का मामला है,
वो हम दो साल तक फाइल इधर उधर करते रहेंगे, तुम करके दिखा लो। तो ये जो है ना कि काम ना हो, और जो भ्रष्टाचार का नीचे अमरबेल फैली हुई है उसको ये सरकार रोक सकती है, इसी सरकार में उदम है ये ना रोक ना पाए, इसलिए ये कर रहे हैं। और मतलब काम ना हो का सीधा सा उदाहरण जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि कई ऐसे ही स्किल का काम, मोदी जी बड़े स्किल इंडिया करते हैं, स्किल का काम सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है देश के। रोजगार की बात करिए तो, हायर एजुकेशन के एवेन्यूज की बात करिए तो, हायर एजुकेशन का काम हमने दिल्ली सरकार में एजुकेशन में काफी काम किया, अब हायर एजुकेशन पे भी काफी फोकस चल रहा था। पिछले 3 महीने में स्किल डेवलपमेंट सेंटर, हमने कहा था हम 25 स्किल सेंटर बनाएंगे, तब हमने पिछले साल कहा था, और हमने कहा था दिसंबर तक सारे 25 बन जाएंगे, जुलाई तक 6 शुरू हो जाएंगे। काम तेजी से चल रहा था, लेकिन पिछले 3 महीने में टेक्निकल एजुकेशन के 3 तो सेक्रेटरी बदल दिए, 2 डायरेक्टर बदल दिए। अब मैं महीने में मतलब 1.5-2 महीने में ही बदल गए, 2 महीने में। अब मैं एक बार एक सेक्रेटरी और डायरेक्टर के साथ मीटिंग करता हूं, उनके साथ कहता हूं भाई स्किल सेंटर में ये कोर्स होगा, ऐसे होगा, इसको ऐसे देख लो, फिर मैं कहता हूं अगली मीटिंग 10 दिन बाद होगी, 10 दिन बाद दूसरा सेक्रेटरी और डायरेक्टर, कैसे काम करूंगा मैं, तीसरी मीटिंग में तीसरा सेक्रेटरी डायरेक्टर, कैसे काम करूंगा, कैसे स्किल डेवलपमेंट होगा यहां पे। इनको यह पता था कि स्किल डेवलपमेंट भी स्कूलों में तो काम हो गया और हो रहा है, टेक ऑफ हो गया, इनको लग रहा था ये स्किल सेंटर अगर इनका टेक ऑफ हो गया तो देश में बेरोजगारी और हायर एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन की बहुत बड़ी समस्या का समाधान स्किल एजुकेशन से निकलेगा। मोदी जी तो स्किल इंडिया करते रह गए, हमने एक स्किल सेंटर बना के दिखाया, आज भी पूरे देश में विवेक विहार में जैसा स्किल सेंटर बना हुआ है, मैं चैलेंज करके कहता हूं इनकी 15-15 साल सरकारें पूरे देश में एक भी सेंटर मुझे बता दें कि हमने बनाया है। इनसे ना मंदिर मस्जिद बनते, ना इनसे स्किल सेंटर बनते, वो भी नहीं बन रहा, इनसे बनाना नहीं है, स्किल सेंटर बनाने की समझ नहीं है इनको, इनको बताया मंदिर बन गया तो राजनीति खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनको यह पता था कि स्किल सेंटर डेवलप करने का काम, बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। साजिशन इन्होंने, और मैं आरोप लगा के कह रहा हूं जानबूझ, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि आप सेक्रेटरी और डायरेक्टर दोनों एक साथ चेंज कर दे रहे हो, और एक एक बार नहीं हर महीने चेंज कर दे रहे हो। पिछले ढाई महीने में 3 एजुकेशन सेक्रेटरी, इसके टेक्निकल एजुकेशन सेक्रेटरी आ गए यहां पे, 2 डायरेक्टर आ गए, अब नए डायरेक्टर के साथ और नए सेक्रेटरी के साथ तारतम्य बिठा के काम करना शुरू किया। 4 दिन पहले एडिशनल डायरेक्टर को हटा दिया, उसकी जगह नया डायरेक्टर नहीं, एडिशनल डायरेक्टर नहीं दिया, अब वो बेचारे सेक्रेटरी और डायरेक्टर भी काम करेंगे तो कैसे करेंगे, उनके नीचे का जिस अफसर के साथ मिलकर काम करना था, जिसको और काम करने थे वो ही हटा दिया, उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट नहीं दे रहे, मैं कैसे स्किल सेंटर खड़े करूं। जानबूझ के देश में स्किल की एजुकेशन ना खड़ी हो जाए, क्योंकि मोदी जी ने नारा दिया था, मोदी जी और उनकी पूरी पार्टी देश में एक भी स्किल सेंटर खड़ा नहीं कर पाई, इसलिए जानबूझ के ये करा जा रहा है कि अगर दिल्ली सरकार की ये स्किल योजना सफल हो गई तो बड़ा तमाचा लगेगा इन लोगों के ऊपर कि स्किल इंडिया का नारा तुम देते थे, काम इन्होंने करके दिखा दिया, काम तो हमने फिर भी करके दिखा दिया, रोकते रहना और करके दिखाएंगे, स्किल सेंटर भी बना के दिखाएंगे। लेकिन मैं सदन के सामने क्योंकि आज मुद्दा उठा है बताना चाहता हूं, साजिशें चल रही हैं स्किल इंडिया को रोकने की, स्किल के प्रोग्राम को रोकने की, स्किल दिल्ली के प्रोग्राम को रोकने की, हायर एजुकेशन में भी एक जगह नहीं किया इन्होंने, नए कॉलेज खोल रहे हैं, नई यूनिवर्सिटी खोलनी है, सुखबीर भाई बैठे हैं इनके यहां पे, यूनिवर्सिटी का बिल सिर्फ थोड़ी सी ट्विक चेंजेस के लिए रुका हुआ है, बिल तैयार करके रखा हुआ है, यूनिवर्सिटी का पूरा कॉन्सेप्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सारा तैयार करके बैठा हुआ है, एनएसआईटी की यूनिवर्सिटी एनएसआईटी को एनएसयूटी का बिल इस विधानसभा ने पास कर दिया है, उसको इंप्लीमेंट करना है, और कई सारी यूनिवर्सिटीज बनानी है, कई कॉलेज खोल रहे हैं यहां पे, जो कॉलेज खोले हैं उनको और ठीक से आगे बढ़ाना है। लेकिन 2 हायर एजुकेशन सेक्रेटरी और 2 हायर एजुकेशन डायरेक्टर बदल दिए, इनको पढ़ाई लिखाई की खुद तो समझ है नहीं कुछ, और यहां एजुकेशन सेक्रेटरी, टेक्निकल एजुकेशन सेक्रेटरी, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी, हायर एजुकेशन डायरेक्टर, टेक्निकल एजुकेशन डायरेक्टर ऐसे बदल रहे हैं जैसे ताश के पत्ते फेंट रहे हो,
चलो भी खेल लेते हैं, चलो दो पत्ते तुम पकड़ो, दो पत्ते तुम पकड़ो, नहीं नहीं खेल खेल पूरा नहीं हुआ, दोबारा कर खेल लेते हैं। ये सरकार चला रहे हैं या ताश का गेम चला रहे हैं? दो मिनट पहले पत्ते फेंटे, फिर नहीं नहीं बच्चों के बाद बीच में आपस में लड़ाई हो गई, नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, दोबारा से बांट लेते हैं। उस तरह से काम कर रखा है। इतना सीरियस इशू है हायर एजुकेशन का, टेक्निकल एजुकेशन का, पूरे दो महीने से डिपार्टमेंट की, मैं शब्द यूज करूंगा, डिपार्टमेंट की लंका लगा के रखी हुई है इन्होंने। सेक्रेटरी बदल दिए दो महीने में, तीन 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 डायरेक्टर बदल दिए, हायर एजुकेशन में तीन तीन डायरेक्टर बदल दिए। काम कैसे करेगी, ऐसे कैसे काम चलेगा? के काम को सेबोटेज करने के लिए ये साजिश चल रही है। इसलिए बात जो है, इन्होंने सौरभ भारद्वाज ने जो प्रस्ताव रखा है कि दिल्ली सरकार का अपना स्टेट सर्विस कमीशन भी होना चाहिए, और मैं समझता हूं इन्होंने कितना उसमें वक्त रखा है, छह हफ्ते का वक्त रखा है। सरकार इसको 6 हफ्ते में बनाएगी स्टेट। उसका फायदा है, उसका फायदा यह है कि जो पोस्ट अभी यूपीएससी भेजी जाती है, वाइस प्रिंसिपल की, डॉक्टर्स की, प्रिंसिपल्स की, ये सारी पोस्ट, यहां तक कि अपना प्रोविंशियल सर्विसेज ऑफिसर्स जो अभी दानिक्स वहां से लेने पड़ते हैं, वो सब भी यहां से नियुक्त किए जा सकते हैं। जो DSSS भी है, इसको कमीशन में बदला जा सकता है, इसको फुल फ्लेजिड स्टेट सर्विस कमीशन में बदल के आपको वाइस प्रिंसिपल, अभी तो हमें वाइस प्रिंसिपल के लिए भी यूपीएससी भेजना पड़ता है, तो ये बहुत अच्छा कदम होगा। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और सरकार की ओर से आश्वासन देता हूं कि इसको बनाएंगे। धन्यवाद।